हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो के अंदर। अभी हम लोग हैं सोलांग वैली के अंदर। शाम के लगभग बजे हैं 4 और आज डेट है 1 मार्च 2024। बहुत ही अच्छा स्नोफॉल अभी सोलांग वैली के अंदर हो रहा है। ये सुबह स्नोफॉल सोलांग वैली से लेके अटल टनल के बीच में हो रहा था जब हम लोग सुबह गए थे, और अभी ये स्नोफॉल मनाली तक पहुँच गया है। मनाली में भी अभी अच्छी खासी स्नो चली है, तो कल शायद आपको सोलांग वैली तक आने के लिए हो सकता है 4x4 गाड़ियां ही लेनी पड़े। सर्दी इतनी ज़्यादा है, आवाज़ से आपको आइडिया लग रहा होगा, और मनाली के अपडेट आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएँ तो इसके लिए हम लोग यहां पे घंटा डेढ़ घंटा और रुकेंगे, ताकि अच्छे से पता चले सोलांग वैली में कितना स्नोफॉल लास्ट तक होगा और शाम को मॉल रोड पे स्नो की कैसी सिचुएशन रहेगी। ये सारा का सारा इस वीडियो के अंदर आपको पता लगेगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि जो भी लोग मनाली का प्लान बना रहे हैं उनको मनाली की सारी जानकारी स्नो से रिलेटेड इस वीडियो के ज़रिए मिल जाए। अभी 9:05 हुए हैं, हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हैं यहाँ से निकलने के लिए। और ये देखिए, अभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है और हो सकता है ऊपर हमें स्नोफॉल देखने को मिले। और ये पक्षियों की आवाज़ें आप सुन सकते हैं। ये जो आपने क्लिप देखा, ये था सुबह का जब हम लोग घर से निकले थे। सोलांग वैली तक हमें मिली थी केवल बारिश, लेकिन जैसे ही हमने सोलांग वैली क्रॉस किया तो ये देखिए अभी पूरे के पूरे रोड्स जो है वाइट हो चुके हैं। रोड के दोनों तरफ जो भी पेड़ है, ये भी ऐसे लग रहा है जैसे मानो कि ये पेड़ स्नो के ही हों। पूरी की पूरी स्नो ने इनको अभी कवर कर दिया है, और अभी सोलांग वैली से आगे केवल 4x4 व्हीकल्स ही जा रहे हैं। और सोलांग वैली से थोड़ा सा आगे चल के हम लोग अभी रुके हैं धुंधी ब्रिज के पास, जहाँ पे बहुत अच्छा स्नो हो चुका है। और यहाँ पे रोड के आसपास गाड़ी भी हम लोग पार्क कर सकते थे और ले सकते थे स्नो का मज़ा। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं धुंधी ब्रिज के पास, और धुंधी ब्रिज के पास ये सारी की सारी ताजी स्नो है बिल्कुल। अभी इसके नीचे जो ये आप देख रहे हैं येलो कलर की, ये स्नो है अभी कुछ दिन पहले की, और जो अभी सुबह से ये स्नोफॉल हो रहा है तो ये है वो सारी की सारी फ्रेश स्नो। ये अभी आप देख सकते हैं लगभग 1 से 1.5 इंच के आसपास स्नोफॉल यहाँ पे धुंधी ब्रिज के पास हो चुका है। और अभी यहाँ का चारों तरफ का बहुत सुंदर नज़ारा एक बार आप लोग देखिए। बहुत बढ़िया अभी स्नो हो गई है, और यहाँ पे आजकल पहले जिप्सी जिप्सी नज़र आती थी, आजकल जिमनी पे जिमनी नज़र आती है। ये देखिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है अभी इस गाड़ी की, और बहुत अच्छा अभी हैवी स्नोफॉल यहाँ पे शुरू हो चुका है। बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार, बहुत अद्भुत। अभी यहाँ से हम लोग अटल टनल की ओर चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं आगे कितनी स्नो चली है अभी। और ये देखिए अभी हम लोग धुंधी ब्रिज से थोड़ा सा आगे चले हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छा स्नोफॉल अभी चला है। ये देखिए अब तक जो स्नो बारिश के साथ मिक्स होके आ रही थी, अभी वो पूरी तरीके से स्नो में कन्वर्ट होके आ रही। बहुत तगड़ा स्नोफॉल अभी शुरू हो चुका है। और ये देखिए रोड के साइड में तो अभी यहाँ पे 4 से 5 फीट स्नो है, काफ़ी पुरानी है जो, और अभी के हिसाब से 1.5 से 2 इंच फ्रेश स्नो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। और ये मोड़ पे काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से आता है। ये देखिए और अभी बहुत अच्छा स्नोफॉल, स्नो के बीच में बहुत सारी मस्ती चली है। ये देखिए
शानदार नजारा। ये चाय वाले ना इसी काम चला लो, जब तक दे दो भाई। और भाई आज हमारा फोन रास्ते में गिर गया था, फोन आपका ना, तो ये भाई थे ये ना, ये भाई जिन्होंने फोन जो है हमारा रिटर्न किया है। हम आए भाई वशिमुरी से, दिल्ली से। भैया ये मैडम इन भाई को कुछ इनाम दे देना, इसने बेचारे ने आपका फोन रोका है, गाड़ी चढ़ने वाली थी। जी जी, फोन जरूर से, फोन आपका हीरा भाई साहब। ये देखिए भैया, ये लो, ये फोन दे दिया इन्होंने, थैंक यू। और ये भैया थे जिन्होंने दो तीन गाड़ियां रुक के ये फोन बचाया। तो भैया क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम सर राजेश है। और भैया मनाली में ही होते हैं, यहाँ पे 4x4 जिप्सी चलाते ये। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, थैंक यू। और ये अभी हम अटल टनल के साउथ पोर्टल पे पहुंच गए हैं, और यहाँ से हम लोग अभी पहले अटल टनल क्रॉस करेंगे और अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल की तरफ देखते हैं, सिसु की साइड जाके वहाँ पे कितनी स्नो मिलती है। यूजुअली उस साइड में स्नो कम है, इस बार जो ट्रेंड रहा है स्नो का, तो ये आज देखते हैं यहाँ पे स्नो ज़्यादा मिलती है हमें या फिर अटल टनल के दूसरे सिरे पे ज़्यादा स्नो मिलती है। तो चलते हैं दूसरी साइड। अटल टनल के साउथ पोर्टल पे बहुत अच्छी स्नो हो रही थी, और अभी हम लोग अटल टनल क्रॉस करके पहुँचे हैं अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पे, और यहाँ पे जो स्नो है बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू साउथ पोर्टल। काफ़ी कम स्नो है यहाँ पे, हवा काफ़ी ज़्यादा। और अभी हम लोग ये टनल के उधर पार से गाड़ी वापसी मोड़ेंगे। ये आ गया चंद्रा ब्रिज, तो यहाँ पे गाड़ी पार्क करके हम लोग कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ से रिटर्न हम लोग निकलेंगे अभी मनाली की ओर। अभी हम लोग अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पे हैं, और सर्दी इतनी ज्यादा, बहुत तेज हवा यहाँ पे चल पड़ी है। ये देखिए ये जो फ्लैग्स लहरा रहे हैं, इनसे आपको आइडिया हो रहा होगा बहुत तेज अभी यहाँ पे हवा चल पड़ी है, और बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ठंड है। अभी सिसु का वैसे हमारा प्लान था, लेकिन अभी इस साइड आए हैं तो अभी यहाँ पे स्नो बहुत ज्यादा नहीं है, हवा ज्यादा है, ठंड ज्यादा है, लेकिन स्नो जितनी अभी मनाली की साइड हो रही है, अभी सोलांग वैली साइड धुंधी ब्रिज के आसपास, तो उस इतनी स्नो अभी सिसु कोक्सर की साइड में नहीं है। तो हम लोग अभी यहाँ से रिटर्न चलेंगे और वहाँ पे धुंधी ब्रिज के पास जाके फिर उधर से सोलांग वैली में रुके, वहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम जो है वो स्पेंड हम वहाँ पे करने वाले हैं। और ये देखिए बहुत सारे टूरिस्ट, बहुत ज़्यादा ठंड। और अभी आपने देखा था अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पे स्नो थी बिल्कुल नाम नाम की, और अभी हम लोग जैसे ही ये टनल क्रॉस करेंगे तो असली स्नो आपको यहाँ पे मिलेगी। ये देखिए विजिबिलिटी काफ़ी कम है, उसका रीज़न है यहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा, बहुत हैवी स्नोफॉल अभी अटल टनल के साउथ पोर्टल पे हो रहा है जो कि मनाली की साइड है। ये देखिए, और ये देखिए अभी विजिबिलिटी इतनी कम है कि दिन के टाइम भी अभी गाड़ियों पे हेडलाइट ऑन करके चले हैं लोग। बहुत अच्छा स्नोफॉल अभी हो रहा है अटल टनल के साउथ पोर्टल पे। अरे ये देखिए स्नो के अंदर मस्ती चली है टूरिस्ट की। गाने गुनगुनाते हुए बर्फ के अंदर मस्ती करते हुए टूरिस्ट। आपका सॉन्ग सुन के हम भी आ गए हैं। तो बहुत बढ़िया स्नो अभी चालू हो गई है इधर अटल टनल रोहतांग। Thank you.
लाइव पर यार, लाइव पर ये फोटो कर, वीडियो चालू है। अबे किती बोलतो बोल असला बाबा असत मैडम साहब आप आ गए, साथ पीछे जाएंगे आपके सब, दो हाथ कमर में डालिए, टाइट पकड़िए मैम, हैंड के ऊपर हैंड, फेस आगे सर आपको थोड़ा सा और अभी हम लोग अटल टनल से वापसी चले हैं। काफी ज्यादा स्नो हो चुकी है रोड पे और केवल अभी यहाँ पे जिप्सी और जिमनी और बोलेरो कैंपर 4x4 गाड़ियाँ ही चली है। ये देखिए बहुत से टूरिस्ट अभी लाइव स्नोफॉल का मजा लेने के लिए पहुँच रहे हैं अटल टनल, और रोड पे काफी अच्छी स्नो भी हो चुकी है। और अभी हम लोग नीचे की ओर जाते हैं, अभी गाड़ी यहाँ भी फिसलती है अभी नीचे जाते हुए, तो 4x4 अभी लगा रखा है गाड़ी के अंदर, तो किसी तरह की दिक्कत होने वाली नहीं है। और रोड बहुत शानदार अभी दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत शानदार, दोनों तरफ स्नो है, ऊपर से स्नोफॉल हो रहा है। और ये देखिए टूरिस्ट खूब मस्ती ये कर रहे हैं यहाँ पे, जितने भी टूरिस्ट आए हैं। जो गाड़ी आगे आगे जा रही है महिंद्रा XUV 500, वो बड़ी धीरे चली है, उसका रीज़न है 4x4 नहीं है, और वो शायद सुबह थोड़ा जल्दी आ गए थे, बाद में तो नॉर्मल गाड़ियों को छोड़ा ही नहीं जा रहा, या फिर ये हो सकता है शीशों के अंदर रुके हों, इसी वजह से धीरे धीरे चले हैं। और रोड अभी पूरा का पूरा वाइट हो चुका है, और इस मोड़ पे होती है काफ़ी ज़्यादा स्नो और बहुत ज़्यादा फिसलन यहाँ पे रहती है। तो अभी हम लोग सोलांग से थोड़ा सा पहले रुके हैं, स्नो आप देख सकते बहुत अच्छी स्नो ये हो चुकी है, और अभी हम लोग यहाँ पे चाय के लिए रुके हैं, चाय या कॉफ़ी कुछ बनाते हैं। ये हमारा छोटा सा चूल्हा रेडी है, उसके साथ ये सिलेंडर अटैच करना है हमें, तो ये सिलेंडर हम लोग सेट करके अभी इसको करते हैं। सर्दी इतनी ज़्यादा है कि हाथ भी काम नहीं कर रहे अभी, तो अभी सिलेंडर हमारा रेडी हो चुका है, और बाहर तो स्नो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इसलिए हम लोग इसको गाड़ी में ही अभी सेट करके रखते हैं। तो ये रखी हमने भी केटल, और इसमें से थोड़ा सा पानी हम पहले निकाल लेते हैं, तो ये केटल हो चुकी है साफ, अभी इसके अंदर जाएगा दूध। तो अभी ये कॉफी हमारी रेडी हो चुकी है, और अभी लेते हैं मजा इस बर्फबारी के बीच में कॉफी का। ठंड काफी ज्यादा है, हाथ जो है देख सकते बिल्कुल लाल पड़ चुके हैं, लेकिन कांपेंगे नहीं, ये बचपन से लेके देसी घी खाया हुआ है तो कांपने वाले नहीं है बिल्कुल भी। और अभी बहुत हैवी स्नोफॉल के बीच में देसी घी के मेथी के परांठे, और अचार की जगह देख सकते वीडियो में बर्फ के साथ खा रहे हम लोग। और ये बहुत अच्छा स्नोफॉल अभी हो चुका है यहाँ पे, हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है अभी, जिसके अंदर मस्त मेथी के परांठे खाए थे हमने। और ये देखिए इतनी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल के बीच में कुकिंग करना, उस खाने को एंजॉय करना बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार, बहुत एडवेंचरस। और ये देखिए जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ रुकी है, रोड पे अभी काफ़ी स्नो हो चुकी है,
ये देखिए अभी बहुत अच्छी स्नो हो चुकी है और अभी हम लोग यहाँ से रिटर्न चलेंगे सोलांग वैली के लिए। और ये देखिए यहाँ पे जितने भी पेड़ थे ये हो चुके अभी सारे के सारे वाइट। ये देखिए अभी बहुत सुंदर यहाँ के नज़ारे हो चुके हैं। तो यहाँ से चलते अभी हम। और ये देखिए अभी रोड पे बहुत अच्छी स्नो और गाड़ी का बोनट भी आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा स्नो अभी यहाँ पे हो चुकी है। और अभी सुनने में आया है ये सोलांग वैली से नीचे जा चुकी है स्नो, तो अभी हम लोग सोलांग वैली जाएंगे और उसके बाद नीचे की ओर जाएंगे और वहां पे जाके देखते हैं अभी कितनी स्नो है। और ये जितनी भी 4x4 गाड़ियां हैं ये भी अभी बहुत कम स्पीड में चले हैं ताकि किसी तरह की गाड़ी स्किड ना हो। अभी रोड पे भी 2-3 इंच स्नो हो चुकी है अभी ये देखिए। और ये अभी बीच में कि ये छोटा सा ब्रिज आ गया है और अभी परांठे ने अपना असर दिखाया है ढकार के रूप में। और ये देखो यहां से स्नो बिल्कुल क्लियर आएगी आपको नजर। और ये अभी पहुंचे हम सोलांग वैली और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। अभी यहाँ तो नहीं रुकेंगे हम, पूरा दिन हो गया अभी बर्फ़ में गिले होते हुए, बर्फ़ में नहाते हुए, बर्फ़ की वीडियोस बनाते हुए। ये देखिए अभी सोलांग वैली का नज़ारा, काफ़ी अच्छी स्नो हो चुकी है। और ये सोलांग वैली का एक्टिविटी ग्राउंड देख सकते हैं आप, शीशा डाउन करके अच्छे से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए तो बहुत अच्छी स्नो अभी हो चुकी है सोलांग वैली के एक्टिविटी ग्राउंड में। और अभी सोलांग वैली से नीचे हम लोग जा रहे थे, यहाँ पे लग चुका है जबरदस्त ट्रैफिक अभी नीचे। हो सकता है कुछ गाड़ियां बर्फ की वजह से फंसी हो और काफी लंबा भी जाम। और यहाँ पे स्नो तो बिल्कुल ही आतंक मचा दिया इस स्नो ने, बहुत हैवी स्नोफॉल अभी शुरू हो चुका है सोलांग वैली के बीच में। और उस बहुत ज्यादा ट्रैफिक से बचने के लिए हम लोग एक लिंक रोड से आगे और यहीं पे आके सबसे बड़ी गलती की, बहुत बड़े बड़े गड्ढे और पत्थर यहाँ पे थे जिससे गाड़ी का भी नुकसान हुआ हमारा आज। और अभी यहाँ पे हम लोग रुक गए हैं सोलांग वैली के अंदर। यहाँ पे पेड़ के नीचे एक जगह थी जहाँ कुकिंग के लिए हम लोग बर्फ डाल रहे हैं यहाँ पे नीचे, ताकि नीचे जो गंदगी है वो सारी की सारी बर्फ से ढक जाए और हम यहाँ पे साफ सफाई करके थोड़ी सी कुकिंग कुछ कर सके। अभी यहाँ पे हम लोग कुछ देर रुकेंगे ताकि आगे कितनी स्नो होगी अभी और अच्छे से अच्छे अपडेट आपको यहाँ पे मिल पाए, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे रुक के कुछ खाते हैं और उसके बाद फिर यहाँ की सिचुएशन देख के थोड़ा ट्रैफिक कम होने के बाद उसके बाद हम लोग यहाँ से नीचे की ओर जाएंगे, पहले सफाई करके कुछ पेट पूजा हो जाए एक बार यहाँ के। और ये अभी मैगी तैयार हो चुकी है हमारी और इसको हम लोग अभी सर्दी के बीच में गर्मा गर्म मैगी अभी खाएंगे। ठंड हो चुकी है अभी काफ़ी ज़्यादा, कपड़े गीले हो चुके हैं हमारे। ये देखिए बहुत टेस्टी मैगी बनी है इस सर्दी के बीच में। तो ये देखिए अभी बहुत ही अच्छा स्नोफॉल शुरू हो चुका है सोलांग वैली के अंदर और ये मनाली के आसपास भी अभी स्नो पहुंच गई है। वहाँ पे ज़्यादा टिकने वाली स्नो तो अभी के हिसाब से नहीं है, लेकिन ये स्नो अगर ऐसे ही रात भर चलती रही तो बहुत अच्छा स्नोफॉल फिर से मनाली मॉल रोड के आसपास आप लोग देख पाएंगे। ये जितने भी ट्रीज हैं ये सारे के सारे अभी वाइट होने वाले हैं और सोलांग वैली को इसीलिए विंटर वंडरलैंड कहा जाता है। बहुत सारी मूवीज़
विंटरफेल ये वो आपने देखी होगी, लेकिन यहाँ पे ये रियल में ये सारी की सारी सीनरीज ऐसे आप देख सकते हैं। अभी बहुत ही लंबा ट्रैफिक जैम यहाँ पे लग चुका है, और ट्रैफिक जैम की वजह से भी और लेटेस्ट अपडेट आपको मिल पाए इसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ देर के लिए रुके हैं। और अभी जो गाड़ी हम लेके आए हैं बहुत ही खतरनाक रास्ते से अभी हम लोग ये गाड़ी लेके आए हैं, तो ये रास्ता भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये गाड़ी हमारी आज साइड से थोड़ी सी ये गाड़ी लग भी गई है। ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा जो है डेंजरस है, यहाँ पे काफ़ी सारे गड्ढे थे जिसकी वजह से आज थोड़ा सा गाड़ी का भी जो है नुकसान हो चुका है। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको भी गाड़ी के अंदर क्या दिक्कत हुई है। ये देखिए अभी आज गाड़ी गड्ढे में लगने की वजह से ये लेफ्ट साइड से जो है थोड़ा सा नुकसान गाड़ी का हुआ है। और अभी सोलांग वैली में ट्रैफिक था, इसकी वजह से ये रास्ता है जहाँ से जितनी भी 4x4 गाड़ियाँ हैं वो नीचे की ओर आ रही है। बाकी नॉर्मल व्हीकल तो मेन रोड से आ रहे हैं, तो टाइम बचाने के चक्कर में हम लोग इस रास्ते से आए थे, और रास्ते पे आके आज गाड़ी का नुकसान हो गया है। और ये गाड़ी जान से प्यारी थी इसलिए थोड़ा सा फील हो रहा है, नुकसान तो ज़्यादा नहीं है लेकिन वो चोट जो गाड़ी को लगती है वो दिल पे जाके लगती है। और ये वो रास्ता है जहाँ से 4x4 व्हीकल्स अभी आ रहे हैं। और अभी 5:30 बजे हैं, और ये देखिए अभी ट्रैफिक अभी निकलना चालू हो गया है यहाँ से। और यहाँ मोड़ पे अभी गाड़ियाँ स्किट हो रही है जो नॉर्मल व्हीकल्स है, तो गैप लेके अभी चले हैं सारे के सारे लोग। वो एक गाड़ी है जो भी साइड में चली गई थी, धक्का देके उसको जो है निकाला है यहाँ से। और बहुत हैवी स्नो अभी शुरू हो चुकी है, धीरे धीरे करके गाड़ियाँ भी जा रही है। 1.5-2 घंटे से ये गाड़ियाँ भी फंसी थी यहाँ पे। और ये देखिए अभी आगे मोड़ पे काफ़ी जाम हो चुका है, अभी 1.5 घंटा और लग जाएगा अभी। ये देखिए भी मोड़ पे कैसे साइड में जो है गाड़ी स्किट होते हुए, और बहुत सारे भी टूरिस्ट वो देखो कैसे गिर रहे हैं अभी, पैदल चलते हुए भी लोग अभी गिर रहे हैं। और ये देखिए गाड़ी कैसे अभी धीरे धीरे अपने आप से फिसलती हुई। और अभी 6:30 हुए हैं और स्नो ऑलमोस्ट रुक चुकी है, छोटी छोटी बूंदे अभी चली है नाम नाम की। और यहाँ पे ये देखिए अभी 4 से 5 इंच के आसपास अभी स्नो हुई है ये सोलांग वैली के एक्टिविटी ग्राउंड में। लाइटें अभी ऑन हो चुकी है, रोपवे बंद है, और सारे के सारे जो व्हीकल थे वो ऑलमोस्ट निकल चुके, कुछ व्हीकल वहाँ पार्किंग के पास रुके हैं। और ये देखिए जैसे ही रोड पे स्नोफॉल रुका तो तुरंत ही जेसीबी लगा दी गई है रोड्स क्लीन करने के लिए। तो ये अभी अगर ऐसे ही स्नोफॉल रुक जाता है तो सुबह हो सकता है आप लोग नॉर्मल व्हीकल से भी सोलांग वैली तक आ पाए, नहीं तो फिर आप नेहरू कुंड तक तो नॉर्मल व्हीकल से आ पाएंगे, और नेहरू कुंड से आगे सोलांग तक आपको 4x4 व्हीकल लेके आना पड़ेगा, और वहाँ से सोलांग वैली से आगे अभी के हिसाब से तो शायद 4x4 गाड़ी चली ही जाएगी आराम से,
क्योंकि हम लोग भी 4 बजे के करीब लगभग आए थे, 3:30-4 के आसपास हम लोग सोलांग में रुके थे, और अभी जब से यहीं पे रुके हैं ताकि बहुत अच्छी वीडियोस क्लिप आपको दिखाई जाए, एक्चुअल कंडीशन यहाँ पे स्नो हुई कितनी है वो आप लोग देख पाएं। तो अभी यहाँ से हम लोग रिटर्न चलते हैं और देखते हैं अभी रास्ते के कंडीशंस कैसी है।